एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करे मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूंगा। कबूतर ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है, उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा वो निराश हो जाएगा, क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से फिर मिला तो कबूतर ने उस स्वर्ग दूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था, उसके शरीर पर पंख उगाए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, वहां पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर चहचहा रही थी। कबूतर चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंच गया। कबूतर ने देवदूत से अपने मन में उठते हुए सवाल का समाधान करने के लिए पूछा, तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। जब यह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था, तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, स्वीकार करने और देखने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव महसूस किया। मैंने अपने जीवन में इसको अपना लिया, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसने मुझे मेरे विचारों को मेरे जीवन में बदलाव लाने में मदद की। उदाहरण के लिए, अगर मेरा सिर दर्द कर रहा था तो मुझे लगता है कि मेरा बाकी शरीर पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ है, और मैं कहता हूं, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और मुझे लगता है कि सिर दर्द मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता। इस भगवान के शुक्राने का मेरे जीवन पर वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगने लगा कि मैं कितना धन्य हूं, मैं कितना खुश हूं, जीवन कितना अच्छा है। इस संदेश को साझा करने का उद्देश्य हम सभी को इस बारे में अवगत कराना है कि कितना शक्तिशाली है यह, हमारे जीवन को नया रूप दे सकता है। इसलिए आभारी रहे हर चीज के लिए उस परमपिता परमात्मा के, और अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, तथा आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।